जब ये सूरत हाल नजर आई तो आपने तालीमी इदारे बंद किए। सो हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता था, आज आपकी मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर फैसले हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है कि आपकी वेकेशंस जो हैं 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कर दी गई हैं। अब 1 फरवरी से जो है वो आप लोग स्कूल अपने जाएंगे। देन इसके अलावा बाकी जो क्लासेज हैं उनके जो आपकी वेकेशंस हैं वो 18 जनवरी तक ही है। 18 जनवरी से आप लोग अपने स्कूल कॉलेज जाएंगे और ये बताया गया है कि आपके लिए दोबारा से मीटिंग की जाएगी और मीटिंग करने के बाद जो है दोबारा से फैसला किया जाएगा कि आपकी वेकेशन जो है ज़्यादा की जाएंगी या नहीं, ये फाइनल फैसला नहीं है। चलिए सुनिएगा इंटरव्यू ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर हो जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, अगर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में, लेकिन साथ साथ हमने सेहत का भी ख्याल करना है। सो ये दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है और बैलेंस इस तरीके से करना है कि कम से कम रिस्क हो और उस साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फैसले आज किए गए हैं वो ये हैं कि जो 9 से 12 9 10 11 12 है, ये वो क्लास किया गया था अनाथ होने 18 तारीख को 9 10 11 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के नस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी वन और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो पहली तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फैसला हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स, जैसे ही न्यू मीटिंग होगी, अगर कोई फैसला चेंज किया जाता है और आप लोगों के लिए वेकेशंस के बारे में अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो उसी वक्त वीडियो क्रिएट करके आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए उसी वक्त चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर बताएं क्या ये फैसला गवर्नमेंट की तरफ से सही किया गया है या नहीं, और प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि इस तरह की न्यू एजुकेशन के बारे में जो भी अपडेट्स हों सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। अगर आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।